सलमान खान के साथ फिल्म जुड़वा और बंधन में काम कर चुकी पॉपुलर एक्ट्रेस रंभा हाल ही में तब चर्चा में आई जब बीते दिनों उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उनके साथ में उनके बच्चे और नैनी भी थी। हालांकि रंभा को हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन उनकी बेटी साशा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। रंभा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्सीडेंट की जानकारी दी है। बता दें कि रंभा शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गई थी। रंभा इस समय अपने पति और अपने बच्चों के साथ कनाडा में ही रह रही हैं। रंभा ने 2010 में कनाडा के रहने वाले बिजनेसमैन इंदु कुमार पद्मनाथन से शादी की है और कनाडा जाकर बस गई। रंभा के पिता की कनाडा में एक फर्म है जो किचन और बाथरूम के पार्ट्स बनाती है। इस फर्म का नाम मैजिक वुड्स है। रंभा की दो बेटियां और एक बेटा है जो कनाडा में ही पढ़ते हैं। रंभा की बेटियों के नाम साशो और लावण्या है। वहीं रंभा के बेटे का नाम शिविन है जो सबसे छोटा है। रंभा की पहली बेटी लावण्या का जन्म 2011 में हुआ था, जबकि दूसरी बेटी को एक्ट्रेस ने 2015 में जन्म दिया। वहीं रंभा ने 2018 में बेटे शिविन को जन्म दिया। फिलहाल रंभा मुंबई से दूर कनाडा में अपना घर गृहस्थी संभाल रही हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। वैसे एक बार रंभा की शादी में अनबन की खबरें भी सामने आई थी। तब कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि शादी के कुछ सालों बाद ही उनके और पति के बीच मतभेद होने लगे थे। यहाँ तक कि उनके ससुराल वालों ने दहेज की भी मांग की थी, जिसके बाद रंभा कुछ वक्त के लिए अपना ससुराल छोड़कर चली गई थी। लेकिन कुछ वक्त बाद उनकी और उनके पति की सुलह हो गई। करियर की बात करें तो रंभा ने बेहद ही कम उम्र में फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। रंभा ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तब वो सिर्फ 16 साल की थी। उन्होंने तेलुगु सिनेमा में फिल्म आ कोटी अडक्कू से कदम रखा था, जिसके बाद जल्लाद उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म रही जो 1995 में रिलीज हुई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। सलमान खान के साथ उन्होंने जुड़वा और बंधन जैसी फिल्में की, तो वहीं कॉमेडी सुपरस्टार गोविंदा के साथ उन्होंने बेटी नंबर वन और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में काम किया। इन फिल्मों में रंभा के काम को खूब पसंद किया गया। इंडस्ट्री में उन्हें दिवंगत दिव्या भारती की हमशक्ल भी कहा जाता था। अपने करियर के कुछ ही सालों में रंभा रजनीकांत, अक्षय कुमार, अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई। रंभा ने तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, बंगाली और हिंदी समेत कई इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। हालांकि वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं।